बिग बॉस 14 के घर में ये कैसा एलिमिनेशन का ट्विस्ट आ गया नमस्कार मैं हूं लीसा गंगवानी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर से एविक्ट हो चुके निशांत और कविता कैसे हुए एवेक्ट और ये क्या नया ट्विस्ट डाला मेकर्स ने तो भाई हमको तो पता है कि जो ऑडियंस है वो वोट करती है और एविक्ट कर देती है किसी एक कंटेस्टेंट को जिसको वो भेजती है सबसे कम वोट यही चलता आ रहा है आज तक बिग बॉस में लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या ही चल रहा है एविक्शन हर बार होता है जब भी तो एक नया ट्विस्ट ट्वेस्ट सामने आ जाता है और इस बार जो ट्विस्ट सामने आया है उसमें देखा गया ये किस तरीके से हो गया डबल इविक्शन और वो डबल इविक्शन का कारण बन गए ग्रीन जोन वाले जी हाँ ग्रीन जोन वालों को दे दी गई ये पावर कि अगर आप वो कंटेस्टेंट नहीं चूज कर पाते हैं जो जनता ने चूज किया है तो एक और कंटेस्टेंट हो जाएगा एलिमिनेट भाई वो लोग ऑब्वियसली नहीं कर पाए वो कंटेस्टेंट चूज जिसको जनता ने किया था यानी कि कविता और उन सभी ने वोट दिया निशांत को और साथ में निशांत को भी कर दिया बाहर तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर निशांत को करना ही था बाहर तो क्या ये मेकर्स की सोची समझी साजिश थी क्योंकि उन्होंने जब ये अनाउंस किया था कि आपको किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर करने के लिए उसका रीजन देना है और ये सोचते हुए रीजन देना है कि कविता एक हफ्ते से है या निशांत शुरू से है ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना आपको बस ये सोचते हुए रीजन देना है कि कौन इस घर में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अब ये स्पेशली जब मेंशन किया है कि कविता एक हफ्ते से है ये चीज मत देखिएगा तो भाई सबके दिमाग में आ गया कि शायद कविता को नहीं करना है वोट आउट ऐसे में सब ने निशांत का नाम लेके कर दिया निशांत को घर से बेघर और जनता ने सुनाया फरमान तो उससे कविता हो गई घर से बेघर तो क्या बिग बॉस चाहते ही थे इन दोनों को घर से करना बाहर क्या चल रहा है मेकर्स के दिमाग में या फिर इस बार जनता का उतना रोल नहीं है जनता के ही शो में और घर वाले ही बन गए हैं सब कुछ और सारे कंटेस्टेंट के करता धरता क्या कहना है आपका इस पूरे सीन पर इस पूरे ट्विस्ट पर लिख कर बता दीजिए मैं कमेंट सेक्शन में साथ ही हमारे चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस ऐसे सारी खबरें ऐसे सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंच जाते रहेंगे